मेरठ नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीति हर दिन अलग अलग चल रही है, चर्चाएं अलग अलग हो रही हैं, कई दावे किए जा रहे हैं जीत के, लेकिन भाजपा ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो एक बड़ा झटका दिया है। हमारे साथ तीन बार के सांसद राजेंद्र अग्रवाल हैं। सांसद जी, ये जानेंगे, बहुत बड़ा झटका है ये तो निकाय चुनाव से पहले, समाजवादी पार्टी जहां दावा कर रही थी उनके लिए तो एक तरीके से ये है कि बीएसपी का भी वोट अब भाजपा की तरफ आ रहा है। नहीं देखिए, नेता इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी में आज आए हैं जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता भी हैं, जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है, और इसलिए मैंने शब्द प्रयोग किया कि वो आसमान से टपके हुए लोग नहीं हैं, वो जमीन से उगे हुए लोग हैं। उन्होंने अपने समाज में अपनी पार्टी के अंदर काम किया है, उनकी एक पहचान है, और भारतीय जनता पार्टी भी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कैडर की पार्टी है, और इसीलिए उनको यहाँ आना बड़ा स्वाभाविक भी है। और वो नरेंद्र भाई मोदी जी, योगी जी, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से प्रभावित होकर के यहाँ पर आए हैं, उनका स्वागत है। और निश्चित रूप से तात्कालिक दृष्टि से इस चुनाव के ऊपर भी उनके आने का असर होगा, हमारी जीत का मार्जिन और अधिक बढ़ेगा, और हम चाहे पार्षद हों और चाहे महापौर हों, दोनों ही दृष्टि से हम बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि तीन पार्षद निर्विरोध जीत गए। हाँ, वो तो है ही, ये जनता के स्नेह का परिणाम है ये, और उसके अलावा भी आप ये देखें कि सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र माननीय मोदी जी ने दिया, उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की जो विश्वसनीयता है वो सभी वर्गों में बढ़ी है। इस बार मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं वो भी आगे आए, हमने 21 कैंडिडेट उतारे हैं। अब हमको उम्मीद है कुछ ना कुछ सफलता हमको मिलेगी, यानी कि हमारा प्रवेश उस क्षेत्र में भी हुआ है, तो एक परिवर्तन पूरे समाज के अंदर है, पूरे सामाजिक समीकरणों के अंदर है, जो भारतीय जनता पार्टी के यश को और अधिक बढ़ाने वाला है। मुस्लिम से याद आया, आपने कहीं पर कहा था कि मुस्लिम समाज की जो था और जो हिंदू समाज है सब एक ही है। नहीं देखिए, ये बात तो एक ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य है ये, अब ये विषय बहुत लंबा है, लेकिन आपको मैं ध्यान दिलाऊं, MC चागला, मोहम्मद करीम चागला साहब जो भारत के कृषि मंत्री भी रहे, या इस्मत चुगताई जो बहुत बड़ी साहित्यकार थी, ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को कहते थे कि बाई रेस यहाँ रहने वाला प्रत्येक जो मुस्लिम है वो हिंदू है, वो क्योंकि वो बाहर से नहीं आया है, उसने केवल उसने पूजा पद्धति बदली है। और ये बात हम भी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी इसी बात को कहती है कि यहाँ पर किसी भी मत के साथ रहते हुए अपना जीवन आनंद के साथ, प्यार के साथ बिताने की गुंजाइश है, लेकिन हम बाई रेस एक हैं, हमारे जो भेद हैं वो केवल पूजा पद्धति के हैं, उन भेदों को कभी भी हमें देश के ऊपर नहीं ले जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी कहती है कि मुस्लिम कैंडिडेट हमारे हैं, मुस्लिम वोटर हमारे हैं, तो अब क्या भाजपा मुस्लिमों को भी दांव खेल के नहीं, हम कोई कार्ड नहीं खेल रहे, हम सबका साथ सबका विकास के मंत्र के अनुसार चल रहे हैं, कार्ड वो खेलने की कोशिश करते हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व ने देश के अंदर वोट बैंक की राजनीति का जो भ्रम है उसको तोड़ डाला है, लेकिन वो मजबूर हैं, वो इसके अलावा कोई जानते नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, अन्य लोग हैं, वो केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इसलिए उसी प्रकार की बात करते हैं। और आप देखेंगे कि उसी प्रकार की अप्रोच वो कर रहे हैं, और उसी प्रकार के लोग जो सांप्रदायिक राजनीति के अंदर विश्वास रखते हैं उनके साथ हैं, अन्यथा जो राष्ट्रवादी राजनीति में विश्वास रखते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं, और क्रमशः उनकी संख्या और भी बढ़ने वाली है। और बढ़ने वाली है, कौन सा बड़ा नाम आने वाला है, एक खुलासा कर दीजिए हमारे चैनल। अभी खुलासा तो तभी होगा जब वो आएंगे, पहले कहना ठीक नहीं है, पहले कहना ठीक नहीं है। चलिए, तो झटका मिलने वाला है एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को या बसपा को। हमारे साथ जिन्होंने भाजपा ज्वाइन करी है, क्या कारण है भाजपा ज्वाइन करने का? भाजपा में सबका साथ सबका विकास की बात होती है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी सबको साथ लेकर चल रहे हैं, इस कारण से उनकी नीतियों से रीतियों से आज प्रभावित होकर हम बसपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं। कब से आप बसपा में थे? 2004 से बसपा में थे। 2004 से, तो काफ़ी लंबे समय तक आप रहे हैं, लगभग आप मान लीजिए ये पूरे आपके 20 साल हो जाएंगे, 2024 में 20 साल हो जाएंगे, तो किस तरीके से इतना टाइम क्यों लगा दिया भाजपा में आने के लिए, अगर इतना पसंद था? पसंद तो 2014 के बाद हुए, जब देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उनकी नीतियों से प्रभावित हुए, मगर हम बहुजन समाज पार्टी को इसलिए नहीं छोड़ रहे थे, हम किसी कारण से फंसे हुए थे, उनके नीचे दबे हुए थे, आज वहाँ से निकल गए हैं। 6:30 बजे हमने बहुजन समाज पार्टी को त्याग दिया है और भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आज शामिल होने का काम किया है। आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रखी थी BSP में, कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं आप, और दो मंडल का कोऑर्डिनेटर रहा हूँ, नगर निगम में पार्षद रहा हूँ 2009 से 2012 तक, और कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन भी रहा हूँ।
अपने समाज का गुर्जर समाज का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। गुर्जर समाज की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारे हैं वो गुर्जर हैं और अतुल प्रधान विधायक भी रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि गुर्जर भी मेरे साथ है और बाकी वोटर भी मेरे साथ है। ये तो आने वाली 13 मई को आपको पता लग जाएगा कि अतुल प्रधान जी क्या कह रहे हैं, गुर्जर किसके साथ है। गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। किस तरीके से पूरा प्रचार प्रसार करेंगे आप? पूरे जी जान से, रात 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 18 घंटे पार्टी के लिए काम करूंगा। ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं? ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, 13 मई को रिजल्ट आपके सामने होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थे प्रदीप गुर्जर, जिन्होंने अभी बीजेपी ज्वाइन करी है और इनका कहना है कि ट्रिपल इंजन की सरकार अब भाजपा बनाने जा रही है। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।